वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मवाली, मोहन राकेश। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के वक्त चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। चौपाटी का मैदान काफी खुला है और जब समुद्र भाटे पर हो तो और भी खुला हो जाता है। शाम के वक्त वहां पर सब तरह के लोग जमा होते हैं, वे जो वहाँ तफरीह के लिए आते हैं और वे जो वहाँ आने वालों के लिए तफरीह का सामान प्रस्तुत करते हैं और वे जो दूसरों को तफरीह करते देखकर लुत्फ ले लेते हैं। वहां धार्मिक प्रवचनों से लेकर आदम और हवा की परंपरा के पालन तक सभी कुछ होता है। अंधेरे और रोशनी में इतना सुंदर समझौत और कहीं नहीं होगा जितना चौपाटी के मैदान में है। और वह लड़का नंगे पांव, नंगे सिर, सिर्फ घुटनों तक की लंबी मैली कमीज पहने वहां एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चल रहा था। एक जगह एक नेता का भाषण समाप्त हुआ था और मजदूर शामियाना उखाड़ रहे थे जमीन पर फैले शामियाने पर से गुजरते हुए। लड़के ने रुककर चारों तरफ देखा और हाथ उठाकर भाषण देने की मुद्रा से गले में कुछ अस्पष्ट आवाजें पैदा की। जब एक मजदूर उसे हटाने के लिए उसकी तरफ लपका तो वह उसे जीभ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए वह एक ऐसे आदमी से टकरा गया जो जमीन पर लेटकर कराहता हुआ भीख मांग रहा था। वह आदमी ऊंची आवाज में उसे गाली देने लगा। लड़के ने उसकी तरफ होंठ पिचका दिए और एक पत्थर को पैर से ठोकर मारकर दूर उड़ा दिया। फिर उसकी नजर मलाबार हिल की तरफ से आती बसों और कारों की पंक्ति पर स्थिर हो गई। उधर देखते हुए अनायास उसके पैरों का रुख बदल गया और वह दूसरी दिशा में चलने लगा। उसकी उम्र 13 या 14 साल की होगी। रंग सांवला था और नक्श भी खास अच्छे नहीं थे, मगर उसकी आंखों में अजब बेबाकी और आवारगी थी। आंखें सड़क की तरफ रहने से वह एक रेत में पड़े बड़े से पत्थर से ठोकर खा गया जिससे उसका घुटना थोड़ा छिल गया। उसने छिले हुए घुटनों पर थोड़ी रेत डाल ली और थोड़ी सी रेत अपनी हथेली पर लेकर उसे फूंक से उड़ा दिया। 50 गज दूर से समुद्र की उमड़ती लहरों का शब्द सुनाई दे रहा था। वह कुछ देर लहरों को किनारे की तरफ आते और एक फैनल लकीर छोकर वापस जाते देखता रहा। हर लहर के बाद दूसरी लहर और आगे तक बढ़ाती थी। पश्चिमी क्षितिज के पास बादलों के दो लंबे सुरमई टुकड़े समुद्र से निकले बड़े बड़े मगरमच्छों की तरह एक दूसरे से उलझे हुए थे। लड़का उन मगरमच्छों को एक दूसरे में विलीन होते देखता रहा। फिर वह बैठकर रेत में से सीपियां बटोरने लगा। केकड़े और उसी तरह के दूसरे जंतु उछलते हुए समुद्र की तरफ से आते थे और पास से निकल जाते। लड़का टूटी हुई सीपियों को दूर फेंक देता और साबुत सीपियों में से जो उसे खूबसूरत लगती उन्हें कमीज से साफ करके जेब में डाल लेता। अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था, इसलिए सीपियां ढूंढना कठिन हो रहा था। लड़का एक बड़ी सी सुंदर सीपी को, जो एक ओर से टूटी हुई थी, हाथ में लेकर अनिश्चित दृष्टि से देखता रहा कि उसे जेब में रख लेना चाहिए या नहीं। पर उसकी आंख ने टूटी हुई सीपी को स्वीकार नहीं किया। उसने उसे वहीं रेत में रख दिया और उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें कई पल गरजती हुई लहरों पर टिकी रहीं, फिर उधर को मुड़ गईं जिधर चौराहे की बत्ती का रंग लाल से पीला और पीले से हरा हो रहा था और लाल रंग की बसें घरघराती हुई एक दूसरी के पीछे दौड़ रही थी। एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़े नाचता हुआ आ रहा था। यह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। एक गुब्बारे वाले के पास से निकलते हुए उसने उसके गुब्बारों को छेड़ दिया। गुब्बारे वाले ने घूरकर गुस्से से उसे देखा तो उसने उसकी तरफ मुंह करके जोर की सीटी बजाई और हाथ से जेब में भरी हुई सीपियों का वजन और फैलाव महसूस करता हुआ तेज तेज चलने लगा। सड़क के उस पार चरनी रोड स्टेशन पर एक लोकल गाड़ी मेरिन लाइन से आकर रुकी थी जो सीटी देकर अब ग्रांट रोड की तरफ चल दी। कुछ ही देर में गाड़ी से उतरे हुए लोगों की भीड़ चरनी रोड के पुल पर आ गई। भैया लोग दूध बेचकर खाली पीपे लिए आ रहे थे। कुछ घाटी युवतियां एक दूसरी को छेड़ती हुई पुल की सीढ़ियां उतर रही थी। लड़के की आंखें काफी देर पुल के उस हिस्से पर लगी रही जहां से हर पल नए नए चेहरे प्रकट होकर पास आने लगते थे और कुछ ही देर में सीढ़ियों से उतरकर अदृश्य हो जाते थे। लड़के ने मुंह में दो उंगलियां डालकर आवाज पैदा की और मुस्कुराकर चारों तरफ देखा कि लोगों पर उस आवाज की क्या प्रतिक्रिया हुई है। यह देखकर कि उसकी आवाज की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, उसने बाहें फैला ली और तंकर चलने लगा। काले पत्थरे के बुत के पास पहुंचकर उसने उसकी दो परिक्रमाएं ली और भागता हुआ वहां पहुंच गया जहां एक परिवार के 6-7 लोगों में एक गेंद को ऊंची से ऊंची उछालने की प्रतियोगिता चल रही थी। वह अपने रूखे बालों को खुजलाता और बीच बीच में बाईं पिंडली को दाएं पैर से मलता हुआ उनका खेल देखने लगा। एक 15-16 साल की लड़की जिसने अपना नीला दोपटा कसकर कमर से लपेट रखा था गेंद के साथ ऊपर को उछलती
तो लड़के की एडियां भी जमीन से 3-4 इंच ऊपर उठ जाती। ए लड़के, किसी ने पास से उसे आवाज दी। उसने घूम कर देखा, एक पारसी अपने सोए हुए बच्चे को कंधे से लगाए खड़ा था और उसे हाथ के इशारे से बुला रहा था। उसने होंठ गोल करके एक बार पारसी की तरफ देख लिया, फिर खेल देखने में व्यस्त हो गया। ए लड़के, इधर आ, पारसी ने फिर आवाज दी, इस बच्चे को उठाकर शीतल बाग तक ले चल, एक आना मिलेगा। उद्धरण चिन्ह, खाली नहीं है, लड़के ने सिर और हाथ हिलाकर मना कर दिया। साले का दिमाग तो देखो, पारसी बड़बड़ाया, खाली नहीं है, चल आ इधर, दो आना मिलेगा। उद्धरण चिन्ह, खाली नहीं है, लड़के ने और भी बेरुखी के साथ कहा और जेब से एक सीपी निकालकर उसे हवा में उछाला और दबोच लिया। साला बदमाश है, पारसी ने अपनी पत्नी से, जो गर्दन एक तरफ को झुकाए ढीले ढाले ढंग से खड़ी थी, कहा। फिर बच्चे को उठाए वह सड़क की तरफ चल दिया। गेंद उछालने की प्रतियोगिता समाप्त हो गई थी। वह लड़की अब अकेली ही बांह घुमा घुमा कर गेंद को पीछे की तरफ उछाल रही थी। एक बार बांह घुमाने में गेंद ज्यादा घूम गई और तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ चली। लड़की के मुंह से हल्की सी ओह निकली। तभी वह लड़का तेजी से गेंद के पीछे भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि गेंद सामने से आती लहर की लपट में चली जाती, उसने टखने टखने पानी में जाकर उसे पकड़ लिया। हालांकि अंधेरा इतना हो चुका था कि गेंद और पत्थर में फर्क कर पाना मुश्किल था। लड़का गीली गेंद को जरा जरा उछालता हुआ उन लोगों के पास ले आया। बड़ी तेज आंख है तेरी, भारी गर्दन वाले अधेड़ व्यक्ति ने, जो उस परिवार का पिता था, गेंद उसके हाथ से लेते हुए गिलगिली हंसी के साथ कहा। किस तरह चिमगादड़ की तरह लपका था। उद्धरण चिन्ह, नीले दोपटे वाली लड़की बोली। इन बातों के उत्तर में लड़के के गले से सिर्फ खुश्क सी हंसी का स्वर सुनाई दिया। चल हमारा सामान उठाकर ले चल, सूखी हड्डियों वाली स्त्री, जो शायद उस लड़की की माँ थी, एहसास जताती हुई बोली। चलेगा, पुरुष ने उसे खामोश देखकर झिकने के स्वर में पूछ लिया। चलेगा, लड़के ने उत्तर दिया। तो यह दरी तह कर ले और बाकी सामान समेटकर टोकरी में रख ले। उस व्यक्ति ने दरी पर रह की प्लेटों और चम्मचों की तरफ इशारा किया। लड़के ने एक झिझक के साथ बिखरे हुए सामान को देखा, एक निगाह लड़की पर डाली और झुककर वे चीजें इकट्ठी करने लगा। सब चीजें ठीक से रख और जा, पहले प्लेटें और चम्मच धो ला, स्त्री ने उसे आदेश दिया। उसने जूठी प्लेटें और चम्मच इकट्ठी की और समुद्र की तरफ चला गया। वहां उसने उन सबको रेत से मलकर साफ किया और अच्छी तरह अपनी कमीज से पोंछ लिया। एक प्लेट लौटती लहर के साथ बह चली तो उसने झपटकर उसे पकड़ लिया और फिर से साफ करने लगा। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब चीजें ठीक से चमक गई हैं, तो वह सीटी बजाता हुआ उन्हें उन लोगों के पास ले आया। इतनी देर क्या करता रहा वहां, स्त्री ने आते ही उसे झिक दिया। हम लेग रात तक यहीं बैठे रहेंगे क्या, अब जल्दी कर। उद्धरण चिन्ह, वह बैठकर प्लेटों को टोकरी में रखने लगा। स्त्री बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, सब चीजें गिनकर रखना, प्लेटें पूरी 6 हैं ना। लड़के ने प्लेटें गिनी और सिर हिलाया। और चम्मच, स्त्री झुककर देखती हुई बोली, चम्मच तो मुझे 5 नजर आ रही हैं। उद्धरण चिन्ह, लड़के ने उन्हें गिना और कहा, हाँ चम्मच 5 ही हैं। उद्धरण चिन्ह, 5 कैसे हैं, स्त्री कुछ सख्त स्वर में बोली, पूरी 6 हैं। एक चम्मच कहाँ छोड़ आया है, छोड़ कहाँ आया होगा, जेब में रख ली होगी, इसकी जेब में देखो, पुरुष ने पास आते हुए कहा। लड़के का हाथ सहसा अपनी जेब पर चला गया और सीपियों के फैलाव को छूकर उनके बचाव के लिए वहीं रुका रहा। निकाल चम्मच, जेब पर हाथ क्यों रखे हुए है, पुरुष ने उसे डांटा। लड़का सहमा सा टोकरी के पास से उठकर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने चम्मच नहीं ली, उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे नहीं पता वह चम्मच कहाँ है। उद्धरण चिन्ह, तुझे नहीं तो तेरे बाप को पता है, कहते हुए उस व्यक्ति ने लड़के को बालों से पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। दे दे चम्मच, तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, स्त्री ने जैसे उस पर तरस खाकर कहा। मेरे पास चम्मच नहीं है, लड़का उसी स्वर में बोला, मेरी जेब में मेरी अपनी चीजें हैं। तेरी अपनी चीजें हैं, पुरुष बड़बड़ाया, अभी देखता हूँ तेरी कौन सी अपनी चीजें हैं। और उसके लड़के के बालों को अच्छी तरह झिनझोट कर उसका जेब पर रखा हाथ अपने मोटे हाथ में कस लिया। उस हाथ के दबाव से लड़के ने महसूस किया कि उसकी जेब में सीपियां टूट रही हैं। उसे जैसे उन सब सीपियों के चेहरे याद थे और उसका हाथ पहचान रहा था कि उनमें कौन कौन सी सीपी टूट रही है। उसने झटके से पुरुष के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हाथ तो क्या छूट पाता। पुरुष ने गर्दन को और दबोच लिया। साले भागना चाहता है,
पुरुष होंठ चबाता हुआ बोला, देखो मैं कैसे अभी तेरी गत बनता हूँ। हटा हाथ, उद्धरण चिन्ह। लड़के का हाथ उस मोटे हाथ के शिकंजे में निर्जी वसा होकर हट गया। पुरुष ने उसकी जेब को बाहर से दबाया, जिससे कितनी ही सीपियां टूट गईं। है चम्मच, उसने स्त्री की तरफ देखकर कहा, हरामी ने जाने जेब में और क्या क्या चीजें भर रखी हैं। उद्धरण चिन्ह, चोर कहीं का। लड़की अपने छोटे भाइयों को लेकर अलग खड़ी थी, बोली। लड़के का संघर्ष समाप्त हो गया था। पुरुष ने उसकी जेब में हाथ डालकर जेब की सब चीजें बाहर निकाल ली। अधिकांश टूटी हुई सीपियां ही थी। उनके अलावा और जो माल बरामद हुआ वह था एक तांबे का तावीज, एक आधा खाया हुआ अमरूद, कुछ कौड़ियां और एक पैसा। नहीं निकली, स्त्री ने सब चीजों पर नजर डालकर पूछा। नहीं, पुरुष खिसियाने स्वर में बोला, जाने सुअ का बच्चा कहाँ छिपा आया है। उद्धरण चिन्ह, उधर धोने ले गया था, वही कहीं रख आया होगा। लड़की दूर से बोली, जरा सी उम्र में साले सब कुछ सीख जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, पुरुष ने लड़के की चीजें गुस्से में दूर फेंकते हुए कहा, जा ले जा अपनी चीजें माँ के पास। उद्धरण चिन्ह, अंधेरे में तांबे की चमक कुछ दूर तक दिखाई दी, फिर पता नहीं क्या कहाँ जा गिरा। सीपियां हल्की थी इसलिए वे अधिक दूर नहीं गईं। लड़का तेजी से उस तरफ भागा जिधर उसकी च जेफे की गई थी। वह अंधेरे में आंखें गड़ा गड़ा कर देखने लगा। लोगों के फेंके हुए जूठे दोने, खाली नारियल और बहुत सी मसली हुई थैलियां जहां तहां पड़ी थी। एक चमकती चीज को देखकर वह उसे उठाने के लिए झुका। वह सिगरेट का बरक था। एक जगह एक पत्थर को देखकर भी उसे तावीज का भ्रम हुआ। उसे उठाकर उसने जोर से वापस पटक दिया। फिर वह थैलियों और पत्तों को पैरों से दबा दबा कर टटोलने लगा। दो एक खाली नारियलों को भी उसने झटक कर देखा। काफी देर देखने पर भी कुछ नहीं मिला तो वह सीधा खड़ा हो गया। वह पुरुष समुद्र के पास होकर वापस आ रहा था। लड़का तेजी से उसकी तरफ लपका। मेरा टिक्का दो, उसने पुरुष के पास पहुंचकर गुस्से के साथ कहा। हट, पुरुष उसे बांह से धकेलकर आगे बढ़ गया। लड़के ने पीछे से उसकी बांह पकड़ ली, बोला, पहले मेरा टिक्का दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह, हट जा, नहीं तेरा सिर फोड़ दूंगा। पुरुष बांह छुड़ाने की चेष्टा करने लगा। भाइन डॉट मवालीगिरी करता है, बहन की गाली मत दो। लड़के का स्वर बहुत तीखा हो गया। कह रहा हूँ हट जा, नहीं तो। पुरुष ने उससे बांह छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया। लड़के ने गिरते गिरते किसी तरह अपने को संभाल लिया और झपटकर उसकी बांह में दांत गड़ा दिए। इससे वह पुरुष एक बार तड़प गया। फिर लड़के को जमीन पर गिराकर वह उसे जूते से ठोकरें लगाने लगा। उसकी स्त्री और बच्चे पास आ गए। आसपास और भी कई लोग जमा हो गए। लड़का चिल्ला रहा था, मार दे, मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपना टिक्का लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। तू मार और मार। उद्धरण चिन्ह, तीन चार व्यक्तियों के रोकने पर वह व्यक्ति मारने से हटा। उसकी पत्नी लोगों को सुनाकर कहने लगी, इतना सा है मगर है पक्का चोर। हमने इसे सामान उठाने के लिए तय किया और सामान टोकरी में रखने को कहा, पर हमारे देखते देखते ही इसने एक चम्मच गायब कर दी। पूछा तो भाग खड़ा हुआ, अब उनकी बांह पर दांत काट रहा था। दुनिया में ऐसे ऐसे नालायक भी होते हैं। उद्धरण चिन्ह, और वह व्यक्ति रोकने वालों से कह रहा था, मैंने तो इसे कुछ ठोकरें ही लगाई हैं, ऐसे हरामी को तो गोली से उड़ा देना चाहिए। साले एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से मवालीगिरी करके दिखाते हैं। उद्धरण चिन्ह, लड़का रो रहा था, दो व्यक्तियों की पकड़ में छटपटाता हुआ कह रहा था, मेरा टिक्का मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरी माँ मर चुकी है, अब मुझे वह टिक्का कहाँ से मिलेगा। मैं इससे अपना टिक्का लेकर रहूंगा, या यह मेरी जान ले ले, या मैं इसकी जान ले लूंगा। और वह पकड़ से छूटने के लिए और भी संघर्ष करने लगा। उधर वह व्यक्ति कह रहा था, मैं कहता हूँ इसे हवालात में दे देना चाहिए। इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब से तांबे का एक तावीज सा निकला। यह भी साले ने किसी का उठाया होगा। अब भी वह यहीं कहीं पड़ा है, पर उसके बहाने यह खून करने पर उतारू हो रहा है। छोड़िए भाई साहब, कोई उसे समझाता हुआ बोला, आप शरीफ आदमी हैं, आप क्यों इसे मुंह लगाते हैं? चोरी करना और जेब काटना तो इन लोगों का धंधा ही है। आपके साथ बाल बच्चे हैं, आप चलिए यहाँ से। उद्धरण चिन्ह, पास से गुजरते हुए व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, क्या बात हुई है यहाँ? पता नहीं, उसे उत्तर मिला, एक लड़के ने कुछ चोरी ओरी की है, उसी के लिए उसे मारार पड़ रही है। उद्धरण चिन्ह, बम्बई में इन लोगों के मारे नाक में दम है, उस व्यक्ति ने कहा। चौपाटी तो इन लोगों का खास अड्डा है, दूसरे ने समर्थन किया, देखो कैसे गालियां बक रहा है। उद्धरण चिन्ह,
पकने दीजिए, आप क्यों अपना वक्त खराब करते हैं। वह व्यक्ति दूसरों के कहने कहाने से स्त्री और बच्चों को साथ लेकर वहां से चल दिया। चलते हुए वह दूसरों को समझाने लगा कि ऐसे लड़कों के साथ सडौला अक्ति का बर्ताव करना क्यों जरूरी है। दो व्यक्ति अब भी लड़के को पकड़े हुए थे और वह उनके हाथ से छूटने की चेष्टा करता हुआ सबको गालियां दे रहा था। लोग उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले गए। जब उसे छोड़ा गया तो वह थोड़ी दूर जाकर और जोर से गालियां देने लगा। फिर वह सिसकियां भरता हुआ रेत पर औंधा पड़ गया। चौपाटी के अंधेरे भागों में अंधेरा पहले से गहरा हो गया था। मैदान में टहलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का आदमी ही नजर आता था। दूर कोने में एक आदमी एक लड़की की कमर में बांह डाले बेंच पर बैठा उसे चूम रहा था। धीरे धीरे समुद्र की लहरों और किनारे की बेंचों के बीच का फासला कम हो रहा था। स्पाश शीक की आवाज के साथ हर लहर दूसरी लहर से आगे बढ़ाती थी। द रक्षितिज के पास मछुआ नावों की बत्तियां टिमटिमा रही थी। वातावरण में तरह तरह की आवाजें फैली थी। अरब सागर की हवा हुआ हुआ करती सामने की इमारतों से टकरा रही थी। काफी देर पड़े रहने के बाद लड़का रेत से उठ खड़ा हुआ और आंखों से जमीन को टटोलता घिसटते पैरों से चलने लगा। सहसा उसका पैर एक नारियल पर से उल्टा हो गया। उसने नारियल को कसकर गाली दी और जोर की एक ठोकर लगाई। नारियल लुकता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उसने पास जाकर उसे दूसरी ठोकर लगाई। नारियल सामने से आती लहर में खो गया। उस लहर के लौटते लौटते उसे नारियल फिर दिखाई दे गया। एक और लहर उमड़ती आ रही थी, इसलिए पास न जाकर उसने वहीं से एक पत्थर नारियल को मारा और साथ भरपूर गाली दी, तेरी माँ को, उद्धरण चिन्ह। और फिर वह सामने से आती हर लहर को जोर जोर से पत्थर मारने लगा, तेरी माँ को, तेरी बहन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।